भाई लोग आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा, आप लोग उस तरह के वीडियो कैसे बना सकते हो, मतलब उस तरह की कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप लोग, वो भी कैपकट में, आप लोगों को मैं मतलब आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस मतलब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना होगा, मतलब बहुत तेज़ी और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना, तो आप लोग उस तरह की कलर ग्रेडिंग करना सीख जाओगे, वो भी किसी भी कलर का कलर ग्रेडिंग करना सीख जाओगे। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा मैंने 3 कलर बनाया था, तो आप लोग भी कितना भी कलर बना सकते हो वो भी बिल्कुल ईजिली। तो बट आप लोग वीडियो को ठीक से वॉच करना होगा और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करना होगा, तब आप लोग ठीक से मतलब वैसे ही कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है गाइस। तो आप लोग उसे कलर ग्रेडिंग आराम से कर पाओगे, लेकिन गाइस आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है वीडियो के लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ, हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के हम लोग, ठीक है भाई लोग। सबसे पहले हम अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो मैंने वीडियो क्लिप का लिंक दे रखा है आप उसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद उसको ऐड करना है या फिर अपना क्लिप भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिप को ढूंढ लेते हैं, जो मेरा क्लिप है उसको हम ऐड कर लेते हैं, आप लोग भी ऐड कर लेना। तो ये अपना क्लिप, हम उसको ऐड बटन पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अपना क्लिप कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है गाइस। तो एंडिंग पार्ट को ऐसे क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा सा जूम कर देंगे, जूम कर देंगे तो अपना जो नूब क्लिप है और जो अपना प्रो क्लिप है वहाँ से हम लोग स्लिप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना प्रो क्लिप स्टार्ट होता है, यहाँ इस पर क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा स्लिप करेंगे क्योंकि हमको कलर ग्रेडिंग यहाँ से करना है, ठीक है गाइस। तो इस पर क्लिक करके इसको हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई अब हम क्या करेंगे, इतना अपने तो हम लोग ने स्लिप कर लिया, ठीक है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्लिप पर फिर से टच करेंगे एंड नीचे की साइड देखो आप लोग, इधर इसको ड्रैग करते हुए आओ, यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पर कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अपना कलर ग्रेडिंग ठीक से हो पाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट जो दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करो, इसको पूरा फुल 50 कर दो, ठीक है। और इसके बाद से सेचुरेशन को हम बाद में करेंगे, ठीक है, बताएंगे मतलब कलर ग्रेडिंग करने के बाद से, ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले शार्पन पे क्लिक करेंगे और शार्पन को पूरा फुल कर देंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग HSL में आ जाएंगे और HSL में यहाँ पे सबसे अपना जरूरी है कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, और बाद में स्किप कर सकते हो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप लोग कलर ग्रेडिंग ठीक से हो पाएगा, वो भी किसी कलर का, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आ जाओ HSL में, उसके बाद जो स्काई ब्लू वाला कलर दिख रहा है मतलब आसमानी वाला, उस पर क्लिक करो, देखो मैंने क्लिक किया। एंड इसके पास हुई जो है इसको पूरा फुल कर दो 100, मतलब इंक्रीज कर दो, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर दो राइट के साइड पूरा 100, ठीक है। एंड सेचुरेशन को कुछ जितना पे मैं रख रहा हूँ 58 या 59 या 50 60 के अराउंड में रख लेना, ठीक है। तो मैं 60 रखा हूँ, ठीक है। और लिमिनियस को भी 60 या 61 को इधर माइनस के साइड लेके आना, कर देना, ठीक है, माइनस 61 या 60 के बीच में रख देना, ठीक है। और फिर से ब्लू वाले कलर पे आ जाओ, इसका भी जो हुई है इसको पूरा फुल कर दो एंड सेचुरेशन को भी कुछ इतना पे रख दो, 73 या कुछ इतना, 63 या 60 पे रख दो और लिमिनियस को भी थोड़ा सा माइनस कर दो, ठीक है। तो इस पर आ दो फिर से एंड इसको थोड़ा सा इतना इंक्रीज कर दो, वही को पूरा इंक्रीज कर दो एंड इसको भी इंक्रीज कर दो और लिमिनियस को थोड़ा सा माइनस कर दो, तो अपना कलर ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो इस पीस करने के बाद से सेचुरेशन पे आ दो, ठीक है, सेचुरेशन पे आकर सेचुरेशन को पूरा मतलब 50 या 50 के अराउंड में इसको प्लस कर देना, ठीक है गाइस, और इसको इतना इंक्रीज कर दो, ठीक है। ये देखो अपना कलर इस कलर का हो गया, ठीक है, मतलब पिंक कलर में होगा, ठीक है। अब आप दूसरा कलर कैसे कर, सबसे पहले हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट करने के बाद से पता आप दूसरा कलर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अपना वीडियो हो रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, अब हम दूसरा कलर कैसे कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। इसको पहले हम डिलीट कर देंगे एंड फिर से हम लोग वीडियो क्लिप को ले लेंगे, ठीक है, दूसरे वाले जो नॉर्मल था आपको बता रहे हैं कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर आप लोग देख लो, ठीक है। तो बता रहे आप कोई भी कलर कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर से इस वाले वीडियो को क्लिक करो, इसको ले लो ऐसे एंड इस पार्ट को ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। और फिर से जहाँ से हम लोग कलर ग्रेडिंग करना हो ऐसे कहीं से कट कर लेते हैं जहाँ से कलर ग्रेडिंग हम लोग करना हो, ठीक है। इस पर स्लिप कर क्लिक करके इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हमको कलर ग्रेडिंग करना है, तो गाइस आपको थोड़ा बैकग्राउंड नहीं आ रहा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है गाइस। तुमको कलर ग्रेडिंग यहाँ से करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे फिर से वही थोड़ा सेम प्रोसेस आप लोगों को अप्लाई करना है। फिर से कॉन्ट्रास्ट वैसे लेंगे, पूरा फुल कर देंगे, शार्पन को भी पूरा फुल बढ़ा देंगे, HSL में आ जाएंगे, फिर से स्काई ब्लू पे आ जाएंगे, इसको क्या करेंगे इतना पे इंक्रीज कर देंगे, इसको भी इतना पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसको पूरा माइनस करेंगे एंड इस पर आ जाएंगे, इसके हुई को पूरा इतना पे कर देंगे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको किस कलर में हो जाएगा, ठीक है,
इसको फिर सीधा एल्यूमिनियस को इतना पे माइनस कर दो, ठीक है। और देखो अपना ये इस कलर में मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर में, ठीक है ना। और ग्रीन वाले पे आके इसको पूरा इंक्रीज कर दो, ठीक है। इसको अपना स्काई ब्लू कलर में हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब क्या बोलते हैं इस कलर में हो रहा, तो इसको हम इतना पे लाके इसको क्या बोल ब्लू वाले पे आके इसको थोड़ा माइनस कर दो एल्यूमिनियस को पूरा, ठीक है। और इस पर भी आके इसके एल्यूमिनियस को पूरा माइनस कर दो, तो अपना स्काई ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। आप लोग कुछ ऐसे ही देख एडजस्ट करोगे तो ऐसे ही मतलब अपना एडजस्टमेंट ठीक से हो पाएगा, ठीक है। और ऐसे कलर का देखो अपना ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, जो कलर करना चाहो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। और ब्लू भी ऐसे हो सकता है, मतलब जो भी कलर करना चाहो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। देखो अपना कलर कितना आराम से चेंज हो चुका है। मैं ऐसे ट्यूटोरियल भी आप लोग लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ठीक है। और जो भी कलर करना चाहो फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। इधर आ जाओ, एडजस्ट पे आ जाओ, जो हमने प्रोसेस किया था सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ा हाई दिखेगा इसका। शार्पन को पूरा फुल रहने देंगे, एच एस एल पे आ जाएंगे और जो कलर चेंज करना हो माँ इधर आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं, इस पे इसको आके पूरा फुल कर देंगे सिचुएशन को, वही को पूरा माइनस कर देंगे, लिमिनियस को पूरा माइनस कर देंगे, इस फिर से इस पे आ जाएंगे, फिर से वही को पूरा माइनस कर देंगे सिचुएशन को पूरा फुल, लिमिनियस को पूरा माइनस, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करके जो भी कलर चेंज करना चाहो आप लोग उस कलर में हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कुछ करके हम लोग कलर को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अपना ये कलर काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिल रहा है, स्काई ब्लू वाला कलर, तो आप लोग ऐसे भी कोई भी कलर कर सकते हो। चल तो चलिए मिलते हैं आप सभी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना।